दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय मनारा चोपड़ा और रिंकू धवन आपस में बैठकर आयशा खान की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से आयशा की बात करते हुए मनारा ने मुंह बनाया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि आयशा की एंट्री से मनारा बिल्कुल भी खुश नहीं है और कहीं ना कहीं मनारा जो है काफी इनसिक्योर भी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर रिंकू धवन आती है और मनारा के साथ में बैठकर बात करने लगती है। तभी यहाँ पर मनारा खुद आगे से आयशा की बात छेड़ते हुए रिंकू धवन से सवाल करती है और कहती है कि एक बात बताइए मैम, आपको जो नई लड़की आई है आयशा, वो कैसे लगती है, क्या ख्याल है आपके उसके बारे में। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिंकू धवन कहती है कि देखो, मैंने तो उसके साथ में टाइम स्पेंड किया नहीं है, तू ही बैठती है उसके साथ, तूने ही उसके साथ बातें बातें की है, तो तू ही बता दे कैसी है, तेरे को मेरे से ज्यादा पता है। जिसके बाद में यहाँ पर मनारा चोपड़ा ने कहा कि मुझे तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लगती है, ऐसे ना जो बात होती है वो मुंह पे बोल देती है, ऐसे मन में दबा के नहीं रखने वाली वो किसी बात को, ईशा की तरह है, जैसे ईशा मुंह पे बोलती ना जो होता है, वो भी ईशा की तरह यहाँ पर गेम खेलने आई है और जो होता है सीधा मुंह पे बकती है। ये सुनकर यहाँ पर रिंकू धवन काफी हैरान रह गई और रिंकू ने भी यहाँ पर आयशा की तारीफ करते हुए कह दिया कि चलो ये तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इस दौरान मनारा चोपड़ा थोड़ा मुंह बनाते हुए नजर आई, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि मनारा जो है वो आयशा से बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, आपको आयशा कैसी लगी, साथ ही साथ लिखना ना भूलें।